यूपीएससी ज्ञान दायनी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग संविधान पढ़ते हैं और संविधान की ये मेरी तीसरी क्लास है। मैंने दो क्लासों में, पहली क्लास में प्रस्तावना पढ़ाई थी और दूसरी में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र बताया था। जैसा कि आप लोगों ने क्लास देखी होगी, आज मैं नागरिकता संबंधित कुछ बातें, कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ यहाँ पर और उसी से संबंधित मैं यहाँ पर बात करूंगी। देखते हैं कि नागरिकता का अर्थ क्या होता है, नागरिकता कैसे हम लोगों को अर्जित होती है और कैसे ये हमसे बिछड़ती है, छूटती है और कैसे ये बर्खास्त हो जाती है, कि किसी देश की नागरिकता कैसे बर्खास्त होगी, कैसे नहीं होगी, तो इससे संबंधित आज हम बात करते हैं। पहले हम लोग नागरिकता का अर्थ समझते हैं कि नागरिकता होती क्या है। तो जैसे किसी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में दो तरह के लोग हैं, नागरिक और विदेशी। यहाँ पर हम लोग भी हैं और विदेशी लोग भी रहते हैं आके। तो नागरिक जो होते हैं, नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं। मतलब वो पूर्ण सदस्य इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी भी मतलब प्रशासनिक या सरकार के जैसे कोई भी उच्च पद, निम्न पद किसी में भी भाग ले सकते हैं, इसलिए इन्हें पूर्ण सदस्य कहा गया। और इनकी इस पूर्ण निष्ठा होती है, मतलब ये राज्य के प्रति इनकी पूर्ण निष्ठा होती है, इन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, राजनीतिक अधिकार प्राप्त। दूसरी ओर विदेशी किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, क्योंकि पहले देश को राज्य ही कहा जाता था या संबोधित किया जाता था, इसलिए राज्य के नागरिक होते, इसलिए इन्हें सभी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इनकी दो श्रेणियां होती हैं, जैसे विदेशी, विदेशी मित्र भी होते हैं, विदेशी शत्रु भी होते हैं। तो इनकी जो दो श्रेणियां होती है, तो विदेशी मित्र वो होते हैं जिनके साथ भारत के अच्छे संबंध होते हैं, जैसे इतने समय यूएई से अच्छे संबंध हैं, अमेरिका से अच्छे संबंध हैं, जापान से अच्छे संबंध हैं, तो इन्हें मतलब मित्र देश कहते हैं। और जैसे विदेशी शत्रु भी होते हैं, जैसे चीन है, पाकिस्तान है, मतलब इनसे थोड़ा सा शत्रुता रहती है। तो जैसे विदेशी शत्रु भी, उनके साथ भारत का युद्ध चल रहा है, जैसे युद्ध चल रहा है, उन्हें कम अधिकार प्राप्त होते हैं तथा वे गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध सुरक्षित होते हैं, जो अनुच्छेद 22 के तहत ये बात कही गई है। जैसा कि इसमें लिखा है कि क्या कहते हैं राज, जैसे मैंने नोट्स, ये मेरे स्वयं के नोट्स हैं तो इसलिए मैं इन्हें शेयर कर रही हूँ, आप लोग देख भी सकते हैं। राजतंत्र में जनता को प्रजा कहा जाता था, प्रजा के केवल कर्तव्य होते थे, अधिकार नहीं। आप लोग पहले भी देखे होंगे, जब राजतंत्र में जब राजा महाराजाओं का राज चलता था तो वहां पर प्रजा, जनता को, हम जैसे मतलब जो जनता होती थी उन्हें प्रजा कहा जाता था। तो प्रजा के केवल कर्तव्य होते थे कि उन्हें लगान देना, उन्हें समय पर लगान पहुंचाना है, राजा की हिकामत करना है, राजा की देखभाल करना है, ये तो इस तरह के उन्हें अधिकार नहीं होते थे कि राजा से हम मांग ले कि हमारी खेती में इतना उपजा है, तो हमें इतना अधिकार नहीं होता था कुछ भी करने का। तो राजा, आज प्रजातंत्र का युग है, प्रजातंत्र में जनता के पास अधिकार और कर्तव्य दोनों है, इसलिए जनता को नागरिक कहा जाता है। मतलब जनता को दोनों अधिकार है, कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। अब सवाल उठता है कि नागरिक और विदेशी में क्या अंतर है। तो नागरिक जो होते हैं, नागरिक के पास कुछ विशेषाधिकार होते हैं, जैसे वोट देने का अधिकार, एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इत्यादि, सार्वजनिक पद पाने का अधिकार। विदेशी के पास ये विशेषाधिकार नहीं होते हैं। जैसे मैंने पहले ही ये बताया कि पूर्ण जनता या पूर्ण राज्य या पूर्ण सदस्य किसे कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं। जहां तक भारतीय नागरिकता का सवाल है, तो भारत में इकहरी नागरिकता है, ठीक है। जैसे हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं लेकिन भारत के नागरिक हैं। हम कहीं बाहर जैसे अमेरिका में रह रहे हैं, तो हम वहां पर ये जाकर नहीं कह सकते कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, बल्कि हम वहां पर ये जाके कह सकते हैं कि हम भारत देश के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। और निवासी में मतलब थोड़ा सा अपनापन कुछ ज्यादा ही होता है। जैसे हम दिल्ली में रह रहे हैं, हम अपने देश की बात करें, जैसे हम दिल्ली में रह रहे हैं और हमारा साथी या संबंधी उत्तर प्रदेश का, हमारे उत्तर प्रदेश का वहां मिल गया, तो हम लोग फिर वहां ये नहीं कहते हम भारत से आए, हम लोग वहां यही कहते हैं कि अरे उत्तर प्रदेश, हम भी उत्तर प्रदेश में कहां से, मतलब इस तरह की फिर बातें होने लगती। जैसे आगे मैंने इसमें मेंशन किया है कि भारतीय नागरिकता की प्राप्ति कैसे की जा सकती। तो संविधान लागू होने के समय भारत की नागरिकता प्रावधान अनुच्छेद 5 से 8 तक रहा, ठीक है। आगे मैं इसको डिटेल भी करूंगी कैसे कैसे लागू हुई। और वर्तमान भारतीय नागरिकता का अर्जन भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा है, ठीक है। इसमें जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसमें समय समय पर संशोधन भी किया गया है, मैं वो भी सब बताऊंगी, अभी आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। आगे हम देखते हैं कि इसमें दिया है, संविधान लागू होने के समय किसे भारत का नागरिक समझा जाता था। जब संविधान लागू हुआ रहा है तो उस समय किसे भारत का नागरिक समझा जाता था, ये यहाँ पर किताबी भाषा पे मत जाइएगा, मैं अपनी भाषा में आपको समझा रही हूँ। अपनी भाषा में ही मैंने अपने नोट्स बनाए, जो आपको आसान तरीके से समझ में भी आ जाएगा, आसानी लगेगी कि हाँ संविधान इतना सरल है। तो देखिए कैसे, जो उस समय परिभाषित भारत में जन्मा था उसे आर्टिकल 5 के तहत रखा गया था। पाकिस्तान से भारत आने वाले को भारत की नागरिकता प्राप्त हुई अनुच्छेद 6 के तहत, आर्टिकल 6 के तहत। भारत से पाकिस्तान और फिर से पाकिस्तान से भारत लौटे, पहले भारत में रहे, फिर पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से भारत आए, तो लौटने वालों की भारत की नागरिकता प्राप्त है, क्योंकि भारत तो भाई महान है ही, वो किसी को भी नागरिकता दे सकता है, क्योंकि मतलब महान
महान ही माना जाता है कि भारत से पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से वापस आए, तो उसने ये नहीं कहा कि तुम पाकिस्तानी हो इसलिए तुमको नागरिकता, अगर तुम भारत में स्वेच्छा से रहना चाह रहे हो तो हम तुम्हें नागरिकता देंगे, ऐसा प्रावधान है भारत के संविधान में अनुच्छेद 7 के तहत। ठीक है, उस समय उस अगला जो पॉइंट है, उस समय कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी भारत की नागरिकता प्रदान की गई अनुच्छेद 8 के तहत। उस समय जब मतलब अब भारत तो 1947 में आजाद हो गया, संविधान 1950 में लागू भी हो गया, तो उस समय जब मतलब संविधान लागू हुआ तो उस समय कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी भारत की नागरिकता प्रदान करने की प्रदान की गई अनुच्छेद 8 के तहत। जैसे मैं इसमें कुछ और बताती हूँ, जैसे भारतीय संविधान नागरिक को निम्नलिखित अधिकार एवं विशेषाधिकार प्राप्त करता है प्रदान करता है तो विदेशों को, लेकिन ये विदेशों को नहीं है, कौन कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं, क्योंकि भाई यहाँ तो इतने विदेशी ही बसे हुए हैं कि यहाँ मैं प्रयागराज में हूँ तो यहाँ पर खुद ही यहाँ जब भी बाहर निकलो तो कहीं ना कहीं विदेशी जरूर दिख जाते हैं। तो जैसे पहला ये है कि धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 15 के तहत। ठीक है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 15 लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार अनुच्छेद 16 के तहत है। स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन एवं संघ, संचारण, निवास व व्यवसाय की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 29 में भी नागरिकों को प्राप्त है। लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार भी नागरिकों को प्राप्त है। संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार भी सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। सार्वजनिक पदों, जैसे मैंने पहले बताया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार भी सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त है, ये विदेशियों को नहीं प्राप्त है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और संवैधानिक उद्गम जो नागरिकता, अब यहाँ पर हम बात करते हैं नागरिकता, तो नागरिकता संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 है। मैंने पहले आपको सब कुछ मोटा मोटा बता दिया, अब मैं यहाँ बताती हूँ कि संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, इस संबंध में इसमें स्थायी और विस्तार, मतलब काफी विस्तार से इसमें उद्बंध भी लगाए गए, काफी बार इसमें संशोधन भी किया गया है कई प्रकार से इसमें, तो इसमें संशोधन कितनी बार हुए अभी तक, तो 1955 भारतीय मतलब 1955 जो नागरिकता अधिनियम 1955 था, उसके बाद 1957 में इसमें संशोधन किया गया, 1960 में भी किया गया रहा लेकिन उसको हटा दिया, निरसन कर दिया गया, तो वो नहीं अब लोग मानते हैं उसको, तो 1960 वाला आप छोड़ दीजिएगा। फिर 1985 में किया गया था, 1986 में किया गया, 1992 में, फिर 1992 में, फिर 2003 में, 2005 में और 2015 में संशोधन किया गया। तो अब लेटेस्ट जो संशोधन है वो 2015 वाला था। ठीक है, अब जैसे इसमें मेंशन है सारा कुछ, भारत में भारतीय नागरिकता का अर्जन कैसे किया जा सकता है, तो उस समय जब जैसे कि भारत में भारतीय नागरिकता का अर्जन कैसे, तो आर्टिकल 11 के तहत, ठीक है, ये लिखा है आर्टिकल या अनुच्छेद 11 में संसद को, यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है कि संसद को नागरिकता संबंधी अधिनियम बनाने की शक्ति दी गई। संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करके भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया है। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय नागरिकता अर्जित करने के निम्नलिखित तरीके हैं, कैसे कैसे हैं, तो जैसे जन्म से, तो अब जन्म से जो है तो उसको मतलब व्याख्या करनी जरूरी है, जन्म है भारत में तो ठीक है। वंशानुगत, जैसे किसी के, जिस बच्चे के माता पिता या मातामही या पितामही भारत के नागरिक हो उसे भारत का नागरिक माना जाता है। ठीक है, पहले भारत की नागरिकता के लिए बच्चे के पिता का भारत का नागरिक होना अनिवार्य था, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में यह कहा गया है कि यदि बच्चे की माँ ही भारत की नागरिक है तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी या प्राप्त होती है। जैसे अब पहले तो था 1955 में कि मतलब जो नागरिक है उसके पिता ही भारत के नागरिक हो तभी माना जाएगा, अब जैसे उनकी माता भी अगर उनकी भारत की है तो उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। यह संशोधन महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम था। यह संशोधन महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक मतलब बहुत अच्छा प्रावधान रहा। फिर देशीकरण द्वारा जो विदेशी लंबे समय से भारत में रह रहा हो, यहाँ के खान पान, आचार विचार, बोली भाषा को अपना लिया हो, तो वो भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का पात्र हो जाता है। तो जैसे अब उदाहरण आप पूछेंगे कि कौन है, तो सोनिया गांधी है। मैं यहाँ पर उदाहरण आपको बताती हूँ कि इससे सोनिया गांधी मतलब इसी तरीके से उन्होंने भारत की नागरिकता अर्जन की थी, क्योंकि जब वो आई थी तो उनको भारत के विषय में मतलब भारत की रहन सहन, बोली भाषा, उनको कुछ भी नहीं पता था। जो वर्तमान समय में आती है उनको ये भी कुछ नहीं पता था। फिर वो बच्चन साथ के घर में रहे कुछ दिन, वहां से मतलब मैं जितना जानती हूँ उतना बताऊँ, वहां से मतलब उन्होंने काफी कुछ सीखा, खान पान, रहन सहन यहाँ का, भारत का। फिर रजिस्ट्रेशन के द्वारा यदि कोई भारतीय
यदि कोई भारतीय किसी विदेशी लड़की से शादी कर ले तो उस विदेशी लड़की को रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। अगला, किसी भूभाग को भारत से मिलाए जाने पर ऐसे भूभाग पर रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता अपने आप मिल जाएगी। जैसे अब कोई भूभाग है उसको हम भारत में मिला रहे हैं, तो वहां के लोग जितने रहने वाले हैं तो उनको भारत की नागरिकता खुद बेखुद मिल जाएगी। ठीक है। भारतीय नागरिकता की समाप्ति, भारतीय नागरिकता की समाप्ति कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 9 में भारतीय नागरिकता की समाप्ति। दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। देशद्रोही साबित होने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। स्वेच्छा से त्यागने पर कि हम अमेरिका की नागरिकता लेना चाह रहे हैं तो हम यहाँ की नागरिकता स्वेच्छा से त्याग सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो आगे है, भारतीय मूल के प्रवासियों को भारत की दोहरी नागरिकता प्राप्त है। भारत के नागरिकों को तो दोहरी ही नागरिकता प्राप्त है, लेकिन प्रवासियों को दोहरी नागरिकता, इसको समझते हैं थोड़ा सा और यहाँ पर देखते हैं, फिर मैं आपको बस इतना ही है, फिर मैं आपको थोड़ा सा और भी कुछ बताती हूँ। तो जैसे 2003 में सिंधवी समिति, 2003 में सिंधवी समिति की सिफारिश पर, यहाँ पर आप देखते चलिए, ये लिखा है सिंधवी समिति की सिफारिश पर, सिंधवी समिति की सिफारिश पर भारतीय मूल के प्रवासियों को भारत की दोहरी नागरिकता देने की घोषणा की। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के, मैंने बताया था ना कितने प्रकार से संशोधन हुए हैं, आप याद रखिए, ये कभी कभी प्रश्न पूछता है, मैं अभी एक बार फिर से आपको लास्ट में दोहरा देती हूँ। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत भारतीय मूल के प्रवासियों को भारत की दोहरी नागरिकता दे दी गई, लेकिन ये नागरिकता समुद्री पारी, मतलब जो समुद्र से पार हैं, इधर नहीं कि भारत में निवास करें, उनके लिए। ऐसे नागरिकों को भारत में वोट देने, सार्वजनिक पद पाने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, इसको जरूर मतलब याद रखिएगा कि सार्वजनिक पद पाने का ये सब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, अधिकार बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे नागरिकों को भारत में आने रहने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी। वीजा के स्थान पर उन्हें पीआईओ कार्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, तो हम बताते हैं आपको। पीआईओ कार्ड इसमें और कई प्रकार से मतलब भारत में अर्जन किया गया, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो यहाँ पर पीआईओ कार्ड जारी किया दिया जाता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत दोहरी नागरिकता की पात्रता को और उदार बनाया गया है। ठीक है, ये यहाँ पर दोहरी नागरिकता के लिए और उदार बनाया गया कि भाई बाहर के लोग जो प्रवासी हो वो आए, उन्हें भारत की नागरिकता भी प्राप्त होगी और जहां से वो प्रवास करते वहां की भी नागरिकता प्राप्त होगी। जैसे हमारे क्या कहते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति हैं, उनको भारत की भी नागरिकता प्राप्त है इतने समय और अमेरिका की भी नागरिकता प्राप्त है इतने समय। तो यहाँ पर भारत में प्रत्येक 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को भी गांधी जी अफ्रीकी प्रवास से वापस भारत लौटे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 9 जनवरी को अफ्रीकी प्रवास से भारत लौटे रहे हैं। आगे और देखते हैं हम लोग, भारत की नागरिकता कैसी है, तो यहाँ पर हमारे देश की नागरिकता एकहरी है। मैंने पहले बार राज्य में लोग निवास करते हैं ना कि नागरिक कहे जाएंगे, जैसे हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं लेकिन हमें भारत का नागरिक कहा जाता है, निवास नहीं कहा जाती, हम भारत के निवासी भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। और इसके बाद मैंने देखो कुछ मेंशन रखा, ये रखा है कि मतलब अगर आपके पास समय नहीं तो ये शॉर्ट में भी आप कर सकते हैं कि नागरिकता उल्लेख संविधान के भाग 2 में है, इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक है। 5 से 11 तक एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में 2 तरह के लोग हैं, नागरिक भी है, विदेशी भी है। मैंने पहले यहाँ पर मित्र भी है, शत्रु भी है। जैसे इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार विधि द्वारा विनियमन किया जाना उपबंधित है, तो अनुच्छेद 11 के द्वारा। अभी मैं अनुच्छेद 10 और 11 जो छूटे हैं उनके विषय में बताती हूँ। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है संसद के द्वारा, क्योंकि नागरिकता संशोधन या नागरिकता का कुछ भी होगा उसमें, चाहे संशोधन करना हो या लागू करना हो या किसी को देना हो, तो सारा का सारा संसद द्वारा ही होगा। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो सिर्फ केवल और केवल नागरिकों को या सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। दोहरी नागरिकता कहाँ पर है, तो जैसे अमेरिका में है, स्विट्जरलैंड में है, तो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड में कैसी नागरिकता है। मैं जैसे यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि नागरिकता संबंधित अर्जन कैसे किया जाता है, तो जैसे मैंने बताया जन्म से, वंश के आधार पर भी किया जा सकता है, पंजीकरण द्वारा भी किया जा सकता है जिसको अभी मैंने रजिस्ट्रेशन, प्राकृतिक रूप से भी किया जाता है, जैसे क्षेत्र समाविष्टि रूप में, मैंने बताया ना किसी क्षेत्र को अगर भारत में मिला लिया जाता है तो वो वहां के नागरिक जो होंगे उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है। अब समाप्ति कैसे होती है तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि मतलब आप लोग अगर तैयारी करें तो इतना जान ही रहेंगे। जैसे स्वेच्छा से त्याग दी जाए कि हम भाई कहीं और की नागरिकता लेना जा रहे हैं, तो स्वेच्छा या बर्खास्त, सरकार द्वारा बर्खास्त कर दिया जाए, मतलब किसी तरह उन्होंने अपमान किया या कुछ भी, वंचित करने पर या उन्हें वंचित कर दिया जाए, तो इस तरह से
वहाँ की, अब जैसे अमेरिका मतलब वहाँ जैसे वंचित कर दिया जाएगा तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब जैसे मैं ये बोल रही थी अमेरिका में दो तरह दोहरी नागरिकता प्राप्त है, तो कैसे अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति न केवल अमेरिका का नागरिक है वरन उस राज्य विशेष का भी नागरिक है जहाँ वो रहता है, इस तरह उसे दोहरी नागरिकता प्राप्त है। जहाँ वो रहता है इस तरह उसे राष्ट्र जहाँ वो रहता है उसे दोहरी नागरिकता प्राप्त है, और इसी संदर्भ में उसे राष्ट्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के दोहरे अधिकार प्राप्त हैं। यह व्यवस्था भेदभाव की समस्या पैदा कर सकती है, जैसा कि राज्य अपने नागरिकों के प्रति भेदभाव बरत सकता है, मतलब दे सकता है कि भाई अब राज्य जैसे उत्तर प्रदेश में नागरिकता होती है तो उत्तर प्रदेश जैसे कोई योजना चालू कर रही है तो उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए होती ना कि मतलब मध्य प्रदेश या हमारे बिहार के लिए जो बगल से है ना कि उसके लिए तो नहीं होती ना। तो यहाँ से भेदभाव मतलब हम लोग आपस में यहाँ से भी टकराव होता है और भेदभाव मतलब पैदा ये भेदभाव मताधिकार सार्वजनिक पदों व्यवसाय आदि को लेकर हो सकता है। ऐसी समस्या को दूर करने के लिए ही भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था तो अपनाया गया है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर भेदभाव के दूर करने के कारण ही यहाँ पर एकल नागरिक, ताकि भेदभाव ना हो कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए तो ये व्यवस्था है, मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए तो ये व्यवस्था है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसमें नागरिकता संबंधित यही प्रावधान, जैसे मैंने अभी कहा कि अनुच्छेद 11 में, आपको बताती हूँ कि अनुच्छेद 11 में क्या प्रावधान था। तो अनुच्छेद 11 जैसे है कि अनुच्छेद 10 में तो हमने बताया कि अनुच्छेद 9 समाप्त कर सकती है एकल नागरिक जो भारतीय नागरिकता की है उसे समाप्त की जा सकती है अनुच्छेद 11 के तहत। अब आते हैं अनुच्छेद 10 के तहत क्या होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जो भारत का यह समझा जाता है नागरिक है या समझा जाता है, यदि संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण करे कि यह भारत का नागरिक है समझा जाएगा तो वह अनुच्छेद 10 के अंतर्गत आएगा। संसद अनुच्छेद 11 के अंतर्गत क्या आएगा, तो हम देखते हैं कि संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के आवेदन और समाप्ति के साथ साथ नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकते हैं अनुच्छेद 11 के तहत। इस तरह नागरिकता जो है हमारा अनुच्छेद 5 से 11 तक वो इस तरह समाप्त होता है, और ये भाग दो में है। तो अब इसके कुछ प्रश्न मैं लेकर आई हूँ, तो आप लोग जरूर देखिएगा। देखो पीसीएस 2018 में पूछा गया था कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को प्राप्त को पाते हैं। तो अभी जाहिर सी बात है भाग दो में है, यहाँ पर मैं ऑप्शन और मतलब उत्तर लेकर आई हूँ। कुछ इसके आगे ऐसे प्रश्न है जहाँ पर सिर्फ ऑप्शन है उत्तर नहीं है, तो उन उत्तर को मैं बताऊंगी यहाँ पर और आप लोग देखिएगा। तो जैसे दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी सही है, तो संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है, ठीक है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, जैसे हम किसी बैंक में, हाँ जैसे किसी बैंक में मैं पैसा जमा कर दूँ, सोचो कि अमेरिका के बैंक में मैंने यहाँ से पैसा डाल दिया या जमा कर दूँ, तो मैं वहाँ की नागरिकता नहीं प्रदान करूंगी या मैं वहाँ की नागरिक नहीं कहलाऊंगी कि मुझे वहाँ का नागरिक बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता को खो देगा यदि वह, तो ये चारों ऑप्शन आप पढ़िए कि भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, तो इसमें एक और दो सही है, ठीक है। कैसे कैसे वो खोएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिकों के रूप में पंजीकृत होने के लिए आहार्य नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया इसको एक एक एक्सप्लेन, वो भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए उन्हें ये कार्ड नहीं दिया जा सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि उपरोक्त में कौन से सही है, तो जैसे नागालैंड, असम, मणिपुर, मध्य प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा के प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371A से लेकर 371I अंतर्विष्ट किए गए, मतलब इन्हें मतलब मैं जब यह अनुच्छेद पाऊंगी तो वहां पर डिटेल से बताऊंगी कि इन्हें कैसे कैसे मतलब विशेष अधिकार दिया जा रहा है, विशेष अधिकार के द्वारा इनको अलग अलग सजोया जा रहा है कि ऐसे ऐसे इन जैसे जम्मू कश्मीर को अभी तक विशेषाधिकार देके 370 के अनुच्छेद 370 के तहत रखा गया, उसी तरह ये कुछ राज्य हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया, ये भी देखो MPPCS 2006 में पूछा गया, तो अमेरिका भी है, स्विट्जरलैंड भी है। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के आवेदन है तो शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है, तो जैसे संसद अनुच्छेद मतलब संसद नागरिकता से संबंधित सब कुछ कर सकता है, संशोधन भी कर सकता है, नागरिकता प्राप्ति भी कर सकता है, समाप्ति भी कर सकता है, सारा कुछ संसद के ऊपर ही संशोधन करने के लिए सब कुछ प्रावधान करता है, कैसे क्या करें तो संसद। अब इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो जिनके उत्तर नहीं दिए गए हैं, जिनके उत्तर आप पहले सोचेंगे फिर मैं उत्तर तो बताऊंगी, लेकिन आप जैसे पढ़ेंगे तो आपको उत्तर सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या उत्तर हो सकता है। तो जैसे भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, तो 5 से 11 है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो एकल नागरिकता प्रदान करता है।
ठीक है। प्रश्न नंबर 3, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, तो कौन सा अनुच्छेद के तहत, आप इसमें विचार करिएगा फिर बताइए हमें। तो मैं बताती हूँ, अनुच्छेद 11 के तहत प्रदान किया गया है, जैसे आपको ऐसे, हाँ इतना ठीक है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, मैंने अभी जैसे बताया कि भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं प्राप्त की जा सकती नागरिकता। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है, देशीकरण, तो आप इसको इसको सोचिए कि देशीकरण कैसे, मतलब देशीकरण, तो विदेशी पुरुष से विवाह करने पर देशीकरण नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है कि नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है, तो इसमें एक आवश्यक शर्त यह है कि राज्य की सदस्यता लेना अनिवार्य ही है, तभी आप किसी देश के नागरिक बन सकते हैं, कि हम भाई राज्य में रहेंगे तभी तो वहां के नागरिक कहलाएंगे उस राज्य देश के, ठीक है। अब जैसे है कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद में किया गया, तो आप सोचिए और फिर बताइए। तो पाकिस्तान से, अभी पाकिस्तान से भारत आए तो इसमें कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 6 के तहत नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, तो कैसे लोप हो सकती है नागरिकता, आप सोचिए इन चार ऑप्शनों में कि नागरिकता लोप होने के कौन सा कारण हो सकता है, तो देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर नागरिकता समाप्त की जाए, लोप की जा सकती है। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, एक कारण हो सकता है, एक कारण क्या हो सकता है, जैसे आप सोचिए कि इन चार ऑप्शनों में एक कारण क्या हो सकता है, जैसे आपको नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा हो, अब ठीक है दिख रहा ना, तो बताइए क्या हो सकता है, तो इसमें एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो वो अपनी नागरिकता खो देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है, तो कौन सी ऐसी मतलब ना भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है, तो सोच के बताइए कौन सी हो सकती है, तो इसमें अधिवास करके हो सकती है, वंशाक्रम करके भी हो सकती है, पंजीकरण भी करके, आप इसमें थोड़ा सा मतलब जैसे कुछ पढ़े हैं तो इससे कॉमन सेंस से भी हटा सकते हैं कुछ ऑप्शन, तो यहाँ पर संपत्ति स्वामित्व, जैसे मैंने बताया कि जो संपत्ति है उससे कुछ ना तो आप नागरिक कहलाएंगे वहां के कि हम संपत्ति जमा कर दें। प्रश्न नंबर 11 है कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण, तो उपयुक्त सभी से, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है कि नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई, मतलब किस अनुच्छेद में है या भाग में है, आप इसको डिटेल से बताइए। तो 19, तो यहाँ पर क्या ये मत कहना कि संविधान के भाग 2 में है, चर्चा कहाँ पर की गई, तो नागरिकता संबंधी संशोधन 1955 के नागरिकता कानून में की गई, ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही होगा, यही आयोग माना भी है। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है, तो कैसे कैसे की जा सकती है, पहले आप ये चार ऑप्शन पढ़िए और फिर मैं इनके उत्तर यही दे दूं या फिर आगे देती हूँ। तो जैसे यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भी हो जाती है, यदि वह नागरिक के दायित्व से परिचित नहीं है, परिचित नहीं, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त की गई है, यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो इनमें से कौन कौन से हो सकते हैं, आप ये बताइए। तो इनमें से देखो, पहला तो हो ही सकता है, तीसरा हो सकता है विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक तब भी समाप्त की जा सकती है, और चौथा भी हो सकता है कि युद्ध समय गतिविधियों में लिप्त पाया गया, ठीक, तो ऑप्शन सी सही है। इसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार क्या किया गया था, मैंने अभी 1992 के अनुसार बताया था कि यहाँ पर क्या किया गया था, तो यहाँ पर भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी, क्योंकि यहीं पर महिला सशक्तिकरण के मतलब महिला सशक्तिकरण के लिए एक कदम उठाया गया था कि मतलब महिलाओं को यहाँ का नागरिक, उनसे जन्मे बच्चे भी यहाँ के नागरिक होंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 15, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है, तो आप सोचिए कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है, तो 7 वर्ष अगर हम देश से बाहर रह रहे हैं तो हमारी नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी, वहां की नागरिकता हमें प्राप्त हो जाएगी। ऐसे सभी व्यक्ति जो, अब यहाँ पर आपको भरना है, जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा, किन्हें समझा जाएगा, तो यहाँ पर 26 जनवरी 1950, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है, तो त्यागने पर, वंचित किए जाने पर, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी, या कहीं पर हम पर्यावासन करते हैं तो यहाँ पर सभी प्रकार से यहाँ पर त्यागी जा सकती है, हम ये तो बोल ही रहे थे, लगा देते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए, तो भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए, तो 1949 से ये लागू हुए थे, ठीक है। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं
कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता ये भी सही है, संसद या विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार ये भी सही है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 प्रदत्त मौलिक अधिकार ये भी सही है, तो उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया, तो ये तो 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया रहा है। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, ये भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से अपनाई गई, तो इंग्लैंड से, यूएसए में तो दोहरी है, कनाडा में भी दोहरी है, फ्रांस में भी अपनाई, जो भारत में एकल नागरिकता वो इंग्लैंड से ही अपनाई गई थी। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, किस बात का दावा नहीं कर सकता है, व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का दावा नहीं कर सकता कि हम यहाँ करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया, तो ये यूएसए में किया गया है। क्वेश्चन जी सही है, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है, जन्म द्वारा, वंशानुगत द्वारा, पंजीयन द्वारा, अनुरोध द्वारा, तो यहाँ पर आप सोचिए कि क्या हो सकता है, तो जन्म द्वारा भी हो सकती है, वंशानुगत द्वारा भी होता है, पंजीयन द्वारा भी होता है, तो यहाँ ऑप्शन भी सही है, अनुरोध द्वारा नहीं कि हम अनुरोध करें सरकार से कि हमें यहाँ की नागरिकता दे, ऐसा कुछ नहीं है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है, तो आप यहाँ पर सोचिए सक्षम निकाय कौन सा हो सकता है, तो अभी मैंने सब कुछ बताया कि नागरिकता संबंधित कुछ भी होगा तो वो संसद ही करेगी और कोई भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 27वां, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, तो यदि वह क्या है, जब खो देगा कि मतलब किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर ले तो वो भारत की नागरिकता खो देगा, ऐसा कुछ है, यहाँ पर ऑप्शन सी, एक वा दो, तो जैसे यहाँ की नागरिकता प्राप्त भारत भारतीय नागरिकता पर त्याग कर दे तो भी खो जाएगी, और स्वेच्छा से अन्य देश के ले ले तो भी खो जाएगी। ठीक है, तो ए और बी सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न देखते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है, ये तो आप जान ही रहे किस भाग के अंतर्गत आएगा, तो भाग दो के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है, अब इसमें ऑप्शन तो नहीं लग सकता है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं अच्छे से, और जो भी कुछ डाउट हो आप लोग कहेंगे तो मैं इसमें और अच्छे सुधार करूंगी, सुधार तो मतलब और अच्छा अच्छा करूंगी, आप लोग इसे बताइए अच्छे से, आप नागरिकता पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, प्रश्न भी मैं इतने करवा दी हूँ कि यहीं से सारे के सारे प्रश्न फंस जाएंगे, आप चाहे आरओ का एग्जाम दे, चाहे पीसीएस का एग्जाम दे, इससे ज्यादा नागरिकता से नहीं आते हैं, क्योंकि इस बार भी नागरिकता से जो प्रश्न आया था मैं आपको इसमें बता ही हूँ, पहला ही प्रश्न था जो 2018 में पूछा गया था, तो यही वाला प्रश्न यहाँ पर आया रहा है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आप लोगों को थैंक यू सो मच, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितना हो सके मतलब लाइक कमेंट भी करिए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट भी कर दिया करिएगा, बुरा लगे तब भी आप बता सकते हैं कि इसमें ये कमी है, इसमें ये सुधार किया जा सकता है, जो भी आपको लगे वो आप बता सकते हैं। ठीक है, और आज का दिन शुभ हो आप सभी का, थैंक यू सो मच, और ठीक है, तो फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।